हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्योतिष किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ छोले भटूरे की रेसिपी। सबसे पहले एक कप मैदा, एक चम्मच चीनी, एक कप दही, दो चम्मच चीनी और खाने का सोडा और दो चम्मच रिफाइंड ऑयल मैंने यूज़ किया है। सबसे पहले मैं एक बर्तन में एक कप मैदा लूँगी, फिर उस पर जगह बनाकर मैं इसमें दही यूज़ करूँगी। मैंने इसमें दो चम्मच दही मिक्स किया है। इसके बाद इसमें मैंने चीनी, एक चम्मच चीनी यूज़ करूँगी, आधा चम्मच नमक और एक चम्मच रिफाइंड ऑयल। मेरी आटा की क्वांटिटी कम है इसलिए मैं सब कुछ कम यूज़ कर रही हूँ। इसके बाद बिल्कुल अच्छे से इसे मिक्स करना है। मैंने गरम पानी की सहायता से इसका डो तैयार कर लिया है। इस पे मैंने खाने का सोडा भी यूज़ किया है, ये हाफ चम्मच खाने का सोडा डालकर मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए, ये मेरा डो तैयार हो चुका है। इस पे मैंने रिफाइंड ऑयल लगा दिया और इसे अच्छे से मिक्स किया। जब तक हमारा चीनी इसमें बिल्कुल अच्छी तरह से मिल ना जाए, हमें आटे को मिक्स करना है। इससे हमारा भटूरा बहुत ही अच्छा फूला फूला और टेस्टी बनेगा। ये देखिए, मैंने आटे को बहुत अच्छे से मिक्स किया है। अब मैं इसे एक कपड़े से ढककर किसी गर्म जगह पर 2 घंटों के लिए रख दूँगी। अब मैं 2 घंटे हो चुके हैं, अब मैं भटूरे बनाने की तैयारी कर रही हूँ। मैंने कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए दे दिया, क्योंकि भटूरा जब भी छानते हैं तो तेल बहुत ही गर्म होना चाहिए, तो हमारा भटूरा अच्छी तरह से फूलता है। अब मैं इसे छोटे छोटे बनाकर टुकड़ों में काटकर इसे बेल लूँगी। ये देखिए, इसे अच्छी तरह से बेलना है कि बीच में कहीं मुड़ ना जाए, नहीं तो भटूरे फूलेंगे नहीं। ये देखिए, इसे मैंने अच्छे से बेल लिया और गर्म तेल में इसे डाल दूँगी। अब ये तेल में पूरी तरह से डूब चुका है। अब मैं इसे धीरे धीरे दबाऊंगी तो ये बिल्कुल अच्छे से फूल जाएगा। ये देखिए, बिल्कुल अच्छी तरह से भटूरा फूला है। इसके दूसरे साइड भी मैं पकाऊंगी। ये बिल्कुल बाजार जैसी बनी है, आप इसके घर में बनाकर खा सकते हो। ये देखिए, ये दोनों तरह से बन चुका है। इसे मैं निकाल लूँगी। अब हम दूसरा भटूरा बनाएंगे, ये भी बन चुका है। अब इसे मैंने फिर से गर्म तेल में डाला, तेल में डालकर इसे धीरे धीरे दबाना है ताकि भटूरा अच्छी तरह से फूल जाए। ये देखिए, ये भी बहुत अच्छी तरह से फूला है दोस्तों। अब इसके दूसरे साइड्स भी हमें सेकना है। ये देखिए, बिल्कुल बाजार जैसा दिख रहा है ना। अब इसे भी मैं निकाल कर रख लूँगी। देखिए कितने फूले फूले भटूरे बने हैं। इसके बाद मैं छोले बनाने की तैयारी करूँगी। ये देखिए, मैंने पहले ही काबुली चना भिगो के रखा था 8 घंटे पहले। इसके बाद मैंने एक कुकर में 2 चम्मच सरसों तेल डाला, थोड़ा सा जीरा और एक लाल मिर्च। इसमें मैं खड़े गरम मसाले भी यूज़ कर रही हूँ। इसमें मैंने 2-3 टुकड़े दालचीनी, इलायची को भी यूज़ किया। इसके बाद इसमें मैंने प्याज कट करके डाला है। प्याज को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। ये देखिए, अदरक लहसुन मिर्च इसे मैं मिक्सर में पीस कर डालूँगी। इससे हमारा छोले बहुत ही अच्छे बनेंगे। उसे मैंने पीस के रख लिया। अब मैं चने को डालकर हल्का सा भून लूँगी। इसे ज़्यादा नहीं भूनना है फ्रेंड्स। इसमें नमक, थोड़ी सी हल्दी, 1/2 चम्मच हल्दी यूज़ किया मैंने। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब मैंने अदरक लहसुन और मिर्च जिसका पेस्ट बना के रखा था उसे डाल दिया है।
ये मैंने प्याज का भी पेस्ट बना के रखा था जिसे मैंने यूज़ किया है। ये धनिया पाउडर है 1 चम्मच, हाफ चम्मच जीरा पाउडर, ये है लाल मिर्च, इसे डालकर हम अच्छे से फ्राई करेंगे। ये है गरम मसाला पाउडर, इसे डालने से आपके छोले का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। अब ये देखिए बिल्कुल भुन चुका है, अब इसमें मैं पानी डाल दूँगी। पानी छोलों से थोड़ा ऊपर होना चाहिए क्योंकि आप अगर भटूरे खाओगे तो इसमें आपको ग्रेवी की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए पानी है मैंने थोड़ा ज़्यादा ही डाला है। अब ये देखिए ये बिल्कुल अच्छी तरह से डूबा हुआ है। अब इस पर मैं सीटी लगा दूँगी। इसमें मैंने थोड़ा सा मेथी पत्ता यूज़ किया है। अब इसे मैं बंद कर दूँगी और जब एक सीटी लग जाए तो इसे आप खोलिए। ये देखिए कितना खूबसूरत दिख रहा है, बिल्कुल बाजार जैसी सब्जी भी बनी है मेरी। अब आप इसे निकाल लो और छोलों के साथ गरम गरम खाओ।